हाउ टू सॉल्व टोटल इनकम क्वेश्चंस। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल इनकम के क्वेश्चंस 20 मार्क के लिए आते हैं या 20 से 30 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स के चैप्टर का वो पार्ट है जो आपको मैंडेटरीली आता है, और पहला ही क्वेश्चन ये होता है हाउ टू सॉल्व टोटल इनकम क्वेश्चंस। जब मैं बात कर रहा हूं टोटल इनकम की, मतलब आपको क्वेश्चन बेस्ड होगा ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम पे। पहले ये बात बहुत ध्यान से सुनना, डीटी में जब भी देखो पहले नीचे देखना, मतलब ये है कि जब भी देखो पहले क्वेश्चन को देखो इज इट अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। मतलब सबसे पहले आपको क्वेश्चन को भापना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको चार पैटर्न में दिया हुआ हो सकता है जिसको आपको एनालाइज करना है। मेजर कैटेगरी इसकी दो, या तो आपको जीटीआई पे क्वेश्चन होता है या तो आपको टीआई पे क्वेश्चन होता है। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, और टीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, ठीक है। यहां पे नो वर्किंग नोट फॉर डिडक्शन, डिडक्शन की कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगी। यहां पे सिर्फ एक और एडिशनल चीज बन जाती है, वर्किंग नोट फॉर डिडक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो पहला कैटेगरी आपको इसमें बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम। इसका फर्दर डिविजन हो सकता है विथ टैक्स लाइबिलिटी और विदाउट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अगर विदाउट टैक्स लाइबिलिटी है तो आपका विषय पूरा खत्म, आपको ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम निकालना है और आपका मैटर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बराबर है। दूसरा हो सकता है आपको विथ टैक्स लाइबिलिटी निकाले। अब जब विथ टैक्स लाइबिलिटी निकाला होगा तो उन्होंने बहुत क्लियर किया होगा ये ओल्ड स्कीम से निकालना है या न्यू स्कीम। ये बहुत क्लियर किया हुआ होगा आपको कि ये ओल्ड स्कीम से निकालना है या न्यू स्कीम से निकालना है। न्यू स्कीम का मतलब है डिफॉल्ट स्कीम 115 BAC, जिसको हम डिफॉल्ट स्कीम के नाम से भी रख सकते हैं, न्यू स्कीम के नाम से भी रख सकते हैं, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के नाम से भी रख सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी नाम यूज हो सकता है। दूसरा ओल्ड स्कीम, जहां आपको क्लियर कट लिख के दिया जाएगा ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट स्कीम। क्या वर्ड यूज करेंगे? ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट स्कीम। या ये बात क्लियर नहीं है, और अगर ये बात क्लियर नहीं है तो आपको बोथ यूज करने हैं। ये एक लेंथी कैलकुलेशन बन जाएगा जहां पे आपको ओल्ड स्कीम से भी निकालना है, न्यू स्कीम से भी निकालना है। मेरा सजेशन ये रहेगा पहले ओल्ड स्कीम से निकाल लो, उसमें से तुमको ऑटोमेटिकली याद है न्यू में क्या नहीं लेना है। हमने हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसी तरीके से किया है, पहले ओल्ड कर लेते थे, इसमें से न्यू बाजू कर देते थे। तुम भी सेम काम करो। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। यस, आपसे ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है या टोटल इनकम पूछ रहा है, सबसे पहला स्टेप ये देख लो। ये देखने के बाद सेकेंड आपको फर्स्ट पेज कंप्यूटेशन के लिए ड्रॉप करना है। मतलब आपका पहला पेज जो होना चाहिए, आंसर शीट का जो पहला पेज होना चाहिए, वो क्वेश्चन के लिए ड्रॉप करना है। एक बात याद रखिए हमेशा, ये आपको दर्शन सर ने लॉ में भी सिखाया होगा, क्वेश्चन नंबर 1A ऐसा बीच में लिखना है, कोने में नहीं लिखना, राइट में नहीं लिखना, मार्जिन के अंदर नहीं लिखना, बीच में लिखना। एग्जाम में आपके पास हाईलाइटर नहीं होगा, ऑलवेज यूज अ पेन अंडरलाइन, ट्वाइस अंडरलाइन टू एनीथिंग। तो सेक्शन को आपको हाईलाइट करना है, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल को हाईलाइट करना है, डिडक्टिबल नॉट डिडक्टिबल को हाईलाइट करना है, जो भी करना है सेंटर विद टू लाइंस, ये आपको हमेशा याद रखना है। पेंसिल आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो पेन की ही आदत लगाओ डबल लाइन करने के लिए, ठीक है। पहला पेज जो आपका बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1A आपने लिखा, ये पूरा पेज कंप्यूटेशन के लिए छोड़ देना, और कंप्यूटेशन के नीचे अजम्पशन एंड नोट्स के लिए छोड़ देना। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका पेज नंबर 1 कंप्यूटेशन के लिए रहेगा, प्लस यहां पे आपने जो भी अजम्पशन लिखे होंगे वो रहेगा, और अजम्पशन के बाद आपको लिखने हैं नोट्स। तो याद रखना पहला कंप्यूटेशन के बाद अजम्पशन एंड नोट्स। हाफ पेज इज कंप्यूटेशन, सीधा हाफ पेज के ऊपर लगने नहीं वाला, हाफ पेज इज कंप्यूटेशन, बचा हुआ हाफ पेज में अजम्पशन एंड नोट्स चालू रहेंगे, और नेक्स्ट पेज के हाफ से आपने वर्किंग नोट चालू करनी है। नेक्स्ट पेज के हाफ से, क्योंकि नोट्स ज्यादा हो सकती है, तो नेक्स्ट पेज के हाफ से आपने वर्किंग नोट चालू करनी है, ठीक है। हर वर्किंग नोट्स किस किस की बनेगी। थर्ड स्टेप,
आपका वर्किंग नोट बनानी है, वर्किंग नोट बनानी है ईच हेड की, हर एक हेड की एक सेपरेट वर्किंग नोट बनेगी, हमने इस पे ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, हर एक की एक सेपरेट वर्किंग नोट बनेगी, डिडक्शन की एक वर्किंग नोट बनेगी, यस, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की एक वर्किंग नोट बनेगी, ये मुख्य वर्किंग नोट्स है जो आपकी बननी ही बननी है, हर एक हेड की एक वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग नोट, डिडक्शन की एक वर्किंग नोट, ये मेजर तीन वर्किंग नोट बनती है जो आपको बनानी बनानी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वर्किंग नोट सॉल्व करनी है, सबसे पहले वर्किंग नोट, अरे एंड में आके कंप्यूटेशन करना है, सबसे पहले क्या करना है वर्किंग नोट, और एंड में आके क्या करना है कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। ये मेन तीन स्टेप्स है जो आपको कंप्यूटेशन में सॉल्व करनी है, राइट। अच्छा, अगर टैक्स लाइबिलिटी भी पूछा है तो पहले दो पेज आप छोड़ेंगे, पहला पेज कंप्यूटेशन और कंप्यूटेशन के नीचे टैक्स लाइबिलिटी, हाफ पेज कंप्यूटेशन हाफ पेज टैक्स लाइबिलिटी, दूसरे पेज में अजम्पशन और फिर वर्किंग नोट, और तीसरे पेज से आपके वर्किंग नोट चालू होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो इफ दिस इज फर्स्ट पेज इज कंप्यूटेशन, टैक्स लाइबिलिटी भी पूछा है तो पहला पेज कंप्यूटेशन एंड टैक्स लाइबिलिटी, देन ये पेज ओपन हुआ, राइट साइड में गए, ऊपर अजम्पशंस और नीचे वर्किंग नोट। अजम्पशन याद रखिए एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक बहुत हो गया, दो, उससे ऊपर अजम्पशंस हो ही नहीं सकते, पेपर इतना क्लियर रहता है, और यहां से फिर वर्किंग नोट चालू हो जाएंगे आपके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। ये आपके टोटल इनकम, मेक श्योर कि आप इतनी प्रैक्टिस करो टोटल इनकम की कि सबसे पहले जाके इसी पे टूट पड़ो। अगर टोटल इनकम, मैं आपको मार्क्स का कैलकुलेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं, डीटी हो या कोई भी पेपर हो, डीटी हो या कोई भी पेपर हो, आपको 180 मिनट मिल रहे हैं, दैट इज 3 आवर्स, बराबर है, 180 मिनट मिल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट समझ लेना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे, मेरे क्वेश्चन एड से कर रहे हो, मेरे रेगुलर बुक से कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में अगर ये फॉर्मूला फिट हो गया तो तुमको हमेशा याद रहेगा कि तुम्हारे प्रॉब्लम का स्पीड क्या होना चाहिए और रीडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। 180 मिनट मिल रहे हैं और 100 मार्क्स का पेपर है, बराबर है, तो तुमको 1.8 मिनट पर मार्क्स मिल रहा है। तो अच्छा, अब ये डीटी आईडीटी है तो न्यू सिलेबस के हिसाब से 50-50, सीएसीएम है 50-50, यानी तुमको लगभग लगभग 90 मिनट्स मिलने चाहिए डीटी के लिए और 90 मिनट्स मिलने चाहिए आईडीटी के लिए, डीटी एंड आईडीटी, 90 मिनट्स 90 मिनट्स, इस तरीके का आपका कंप्यूटेशन बनना चाहिए। अब इस 90 मिनट्स के अंदर में तुमको प्रॉब्लम को रीड भी करना है, इसको सॉल्व भी करना है, तो तुम्हारी आदत उतनी होनी चाहिए। इस 90 मिनट्स के अंदर में अगर मैं आपको 50 मार्क को डील करना है तो तुमको उस कैलकुलेशन को याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तुम्हारे टोटल इनकम की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। डीटी एक बार पढ़ के हो गया कि तुम जितने ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल है, एक से ज्यादा बार तुम रेगुलर बुक और क्वेश्चन एड से कंप्यूटेशन वाले सॉल्व करो, इसके बाहर तुमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मॉड्यूल के भी क्वेश्चन इसके अंदर में हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो मॉड्यूल के अलावा भी तुमको सिर्फ क्वेश्चन एड उठाना है और अपना रेगुलर बुक उठाना है, इसमें से सारे पास्ट एग्जाम के कवर है, आरटीपी कवर है, एमटीपी कवर है, सिर्फ तुम्हारा मई 24 नवंबर 24 का जो आरटीपी होगा तुमको वो उठाना है। गलती से मई 24 किसी रीजन की वजह से तुम्हारा रह जाता है, गलती से 99.9999% नहीं रहने वाला, पर अगर रह जाता है तो याद रखिए नवंबर 24 के लिए तुमको सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ने हैं, इफ एनी, अदरवाइज कुछ नहीं, फाइनेंस एक्ट सेम रहने वाला है तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर नवंबर 24 भी नहीं होता है तो तकलीफ है, फिर सब कुछ चेंज है तुम्हारा, समझ में आ रही है बात, जस्ट इन केस। तो तुमको 90 मिनट मिलने वाले हैं, ये 90 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट है, वो भी डीटी के लिए और आईडीटी के लिए, 90 मिनट अलग, 180 में टोटल गेम खेलना है। 1.8 मिनट पर मार्क है, मतलब अगर मैं बात करूं 14 मार्क का क्वेश्चन टोटल इनकम का आता है, 14 × 1.8, आपको 25 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 14 मार्क, विच इज मोर देन सफिशियंट। 25 मिनट्स, मतलब लगभग 25 मिनट्स आपको मिल रहा है, मोर देन सफिशियंट। क्वेश्चन में आपको पूरा नहीं पढ़ते बैठना है, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन पेपर आया कि पहले देखो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है, तुम एक एक हेड मत पढ़ते बैठना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग वहां चल जाएगा। तुमने दिमाग लगाने का, सबसे पहले टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, विदाउट टैक्स लाइबिलिटी, ये पढ़ लिया, इसके बाद अब क्वेश्चन को बस ऊपरा ऊपरी पढ़ो, हेड कितनी है, सिर्फ ऊपरा ऊपरी पढ़ो कि तुमको क्या क्या लग रहा है, कौन कौन से हेड दिख रहे हैं तुमको, जैसे पहला हेड दिख सकता है, तुमको जैसे यू नो पहला हेड दिख सकता है कि भैया चल एचपी पूछा जा रहा है, यस, दूसरा हेड तुमको दिख सकता है कि चल यू नो ये पूछा जा रहा है, एचपी पूछा जा रहा है, तो तुमने सिर्फ हेड बनाना ताकि तुमको ये पता चल जाए वर्किंग नोट कितनी बनने वाली है, बराबर।
और उसके बाद तुमको कुछ चीजों को और फोकस करना है। फोर्थ थिंग जो तुम फोकस करोगे वो होगा पर्सन कौन है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इंस्टीट्यूट मैक्सिमम टाइम पे यही घुमाता है, पर्सन इज द फोर्थ थिंग जो तुम प्रॉब्लम में देखोगे। तुम देख मैक्सिमम बच्चा गलती क्या करेगा, हेड्स देख के उस पर फोकस करेगा। अबे हेड्स तू पढ़ के गया है, तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रख। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेड्स तू ऑलरेडी पढ़ के गया है तो तेरे को आ जाएगा, एक हाथ चीज इधर उधर होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, मैनेज हो जाता है। मेजर गलती कहां हो जाती है, बच्चा पर्सन देखना भूल जाता है और डिडक्शन में कर देता गड़बड़, और यहां आपका पूरा 20 मार्क का प्रॉब्लम गायब हो जाता, पर्सन को देखने का और पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और तीसरी चीज तुरंत देख लेने की उसका एज क्या है। बस ये तीन चीज तुमने देख ली, याद रख, अंडर द न्यू डिफॉल्ट स्कीम एज से कोई लेन देन ही नहीं है, ओल्ड स्कीम में एज से लेन देन है। तो तेरे को ये पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे, बस इतनी चीज देख के प्रॉब्लम का श्री गणेश कर देना। स्टेप नंबर वन बोलो, सबसे पहले टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम विद टैक्स लाइबिलिटी विदाउट टैक्स लाइबिलिटी, पहले ये देख ले। दूसरा क्या देखेगा, फर्स्ट पेज कंप्यूटेशन एंड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो यहीं से अजम्पशन एंड नोट्स, तीसरे पेज से या दूसरे पेज से तेरा वर्किंग नोट चालू होना चाहिए। थर्ड, हर हेड के लिए एक वर्किंग नोट बनेगा, पेज पे दिमाग नहीं लगाने का, तूने पैसे ही एग्जाम के पेज के लिए दिए तो ये हाफ पेज रखो कि वन पेज रखो, टेंशन नहीं लेने का, एक एक पेज डाल देने का, वर्किंग नोट अगर खत्म हो गई फिर और कोई वर्किंग नोट उधर डाल देने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। डिडक्शन डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, फोर्थ चीज पर्सन देखना, लास्ट में पर्सन देखना, पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एज। पर्सन हमेशा बताया होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ नहीं लिखा, आरओआर, एज अगर कुछ नहीं लिखी बिलो 60, खत्म। ये अजम्पशंस पे हमें आगे बढ़ना है, डन। ये चार चीजों के साथ लेट अस स्टार्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।